बरसात को लेकर छिंदवाड़ा में रेड अलर्ट, बारिश बनी शहर के लिए समस्या। बिछुआ से रामाकोना को जोड़ने वाला पुल बहा, बरसात में 40 गांवों का संपर्क टूटा। घटिया निर्माण कार्य पर उठ रहे सवाल। उफान पर आया बोदरी नाला, आवागमन का मार्ग हुआ बंद। छिंदवाड़ा आकाशवाणी का मुद्दा, सांसद में उठाएंगे नकुलनाथ। आकाशवाणी केंद्र के उद्घोषकों ने सौंपा ज्ञापन। नगरी निकायों में कुल 79.23% वोटिंग, कलेक्टर और एसपी ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में मानसून अब अपने पूरे शबाब पर है। जिले के सभी विकास खंडों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के द्वारा बुधवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बुरहानपुर और खंडवा जिले में बरसात को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। शहर में बारिश लगातार होने से कई क्षेत्रों में सड़क मार्ग पानी से लबालब भरे हुए नजर आए। महाराणा प्रताप चौक पर जेल बगीचे के सामने बरसात का पानी पूरी तरह से सड़क पर रुक गया था, जिसके चलते यहां पर आवागमन करने के लिए लोगों को दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ा। यही स्थिति शहर के अन्य मार्गों में भी दिखाई दी। वहीं श्रीवास्तव कॉलोनी स्थित शिव मंदिर के पास खजरी सागर पेशा और गुरैया रोड स्थित निर्माणाधीन पुलिया के पास भी लोगों के घरों में पानी समा गया था। दो दिनों से छिंदवाड़ा जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से बिछुआ से रामाकोना को जोड़ने वाले मार्ग की 3 पुलिया धराशायी हो गई है। इसकी वजह से करीब 30 से 40 गांव का संपर्क टूट गया है। दरअसल बिछुआ से रामाकोना के बीच गुलसी के पास बनी 3 पुलिया तेज बारिश की वजह से टूट चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि पुल के टूटने के कारण 30 से 40 गांव का संपर्क टूट गया है। हालात यह है कि मजबूरी में कुछ लोग जान जोखिम में डालकर अपनी बाइक रस्सियों के सहारे पुल से नीचे उतार रहे हैं, ताकि किसी तरीके से वो अपने घरों तक पहुंच सके। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 4 से 5 साल पहले पुल का निर्माण शुरू हुआ था और 2 साल पहले पुल बनकर तैयार हुआ था, लेकिन खराब गुणवत्ता के चलते पुल धराशायी हो गया है। यहाँ पे 3 पुल टूट चुके हैं भारी बारिश की वजह से। लोगों को आने जाने में बहुत समस्याएं हो रही है। लोग आ रहे हैं यहाँ तक, फिर वापस जा रहे हैं। कुछ लोग पढ़ाई वाले छात्र भी यहाँ से वापस जा चुके हैं। कुछ लोग आते हैं फिर यहाँ पुल टूटा हुआ देखकर फिर वापस चले जाते हैं। ये कुंडा नदी है, कुंडा खदबेली गुलसी होते हुए निकलती है, कुंडा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर जो भी है, अभी ना स्कूली छात्रों को कोई सुविधा मिल रही आने जाने की। ये पुल ये बीती रात को टूटा है। रामाकोना जा रहे थे तो ये पुल टूटा हुआ दिख रहा है। अब कैसे जाओगे आप? वापस जाएंगे घर। कब से टूटा है कुछ बताया आपको? कब से टूटा है? कल टूटा है। गुरैया रोड स्थित सब्जी मंडी के पास बोदरी नाले का पुल बुधवार को शहर में हुई जबरदस्त बारिश के बाद उफान में आ गया। इससे छिंदवाड़ा शहर और संचार कॉलोनी सहित सब्जी मंडी का संपर्क कुछ समय के लिए टूट गया। यहां पर पुल का निर्माण कार्य बीते कई दिनों से चल रहा है, लेकिन बारिश के चलते जो बाईपास मार्ग बनाया गया है वो भी अब पानी के उफान में आने के कारण बार बार बह रहा है। छिंदवाड़ा जिले की आकाशवाणी का मुद्दा अब सांसद नकुल नाथ के द्वारा सांसद में उठाया जाएगा। बीते दिन आकाशवाणी केंद्र के उद्घोषक और कंपेयर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सांसद नकुल नाथ से मिलने पहुंचे और ज्ञापन भी दिया था, जिसके बाद सांसद नकुल नाथ ने कहा कि आकाशवाणी न केवल हर वर्ग के श्रोताओं के लिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि समय समय पर शासन प्रशासन ने भी इस केंद्र के माध्यम से अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया। कमलनाथ ने तत्कालीन दौर में छोटे नगर को महानगर बनाते हुए छिंदवाड़ा में न केवल आकाशवाणी बल्कि दूरदर्शन केंद्र की स्थापना करवाई, लेकिन आज केंद्र सरकार की पक्षपातपूर्ण नीतियों के चलते छिंदवाड़ा आकाशवाणी केंद्र को केवल एक रिले केंद्र के रूप में बदलने की योजना बनाई जा रही है। नकुलनाथ ने कहा कि इस केंद्र को बंद नहीं होने दूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सांसद के रूप में मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इस मुद्दे को सांसद में भी उठाऊंगा और छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के अन्य केंद्र जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनका भी उल्लेख करूंगा।
नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत बुधवार को जिले के 9 नगरीय निकायों में द्वितीय चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सुबह से ही फील्ड पर रहे और इन नगरीय निकायों के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर मतदान कार्य के सुचारू संचालन और मतदान केंद्र में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर और एसपी के द्वारा नगर पालिका परिषद चौरई, नगर पालिका परिषद डोंगर, परासिया, नगर परिषद चांद और नगर परिषद बिछुआ के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। शहीद मेजर अमित ठेंगे के बलिदान दिवस पर बुधवार के दिन मेजर अमित ठेंगे चौक पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर NCC कैडेट्स के द्वारा देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले छिंदवाड़ा जिले की माटी के लाल शहीद मेजर अमित ठेंगे को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी। गुरु पूर्णिमा का पर्व बुधवार को शहर भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से शिष्य अपने गुरु के पाद पूजन के लिए सामूहिक रूप से नहीं जा सके, वहीं इस बार वृहद स्तर पर ये पूजन हुआ। इस बार बुद्धादित्य योग बन रहा था। 12 वर्ष बाद आषाढ़ी पूर्णिमा पर देव गुरु बृहस्पति स्वराशी मीन में मंगलकारी केंद्र योग बना रहे थे, इस वजह से ये दिन और भी मंगल फलदायी हुआ। कहीं मंदिर में विशेष अनुष्ठान हुए तो कहीं पर गुरु दरबार में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। विवेकानंद कॉलोनी स्थित साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष साज सज्जा की गई थी। सुबह से ही साईं बाबा की काकड़ आरती और महाभिषेक का आयोजन मंदिर में चलता रहा। साईं बाबा के विशेष पूजन पाठ के बाद भक्तों के लिए महाप्रसाद का वितरण सच्चिदानंद सेवा समिति के द्वारा किया गया था। मंदिर प्रांगण में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिवोम तीर्थ महायोग कुंडलिनी आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर सुबह 5 बजे से 9 बजे तक सामूहिक साधना, गुरु गीता पाठ, रुद्राभिषेक, पादुका पूजन और हवन का आयोजन चलता रहा। इस अवसर पर स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज, स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज और स्वामी भास्करानंद तीर्थ जी महाराज का पादुका पूजन विभिन्न क्षेत्रों से आए शिष्यों के द्वारा परंपरागत तरीके से किया गया, जिसके बाद आश्रम में महाप्रसाद का वितरण भी हुआ। बुधवारी बाजार रोड स्थित अनगढ़ हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जिन्होंने अपने गुरुओं का विधिवत पूजन मंदिर प्रांगण में किया। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में स्थित दादाजी धूनी वाले दरबार साईं और गजानन दरबार में भी भक्तों की भीड़ लगी रही। विशेष हवन पूजन के बाद मंदिर में भंडारे का आयोजन शिष्यों के द्वारा किया गया था। श्री साई बाबा जनसेवा संस्थान छोटी बाजार में भी साई भक्तों के द्वारा साई दरबार में विशेष पूजा अर्चना की गई। चार फाटक स्थित दादाजी धूनी वाले दरबार मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर परिसर में भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिजर जी का नाम संकीर्तन का आयोजन चलता रहा। मंदिर परिसर में दादाजी की धूनी पर श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर अपनी मुरादें मांगी, जबकि धूनी में विभिन्न प्रकार के भोग भी श्रद्धालुओं के द्वारा लगाए गए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर नोनिया करबल स्थित साई मंदिर से साई बाबा की विशेष पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें गाजे बाजे के साथ साई बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। साई बाबा की पालकी यात्रा के बाद मंदिर में महाआरती की गई, जिसके बाद महाप्रसाद और भंडारे का वितरण किया गया।
गुरु पूर्णिमा के मौके पर केसरी नंदन हनुमान मंदिर में भी दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां पर लोगों ने भगवान हनुमान की विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ महाआरती में शामिल होकर महाप्रसाद ग्रहण किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।